तो नमस्ते ही दोस्तों, स्वागत है आपका रॉक स्टार एडिटिंग चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको लाइट रूम से कुछ इस टाइप का फोटो एडिट करके आपको दिखाएंगे, स्टेप बाय स्टेप कैसे आप अपने पीछे के बैकग्राउंड को कलर का चेंज कर सकते हैं, ट्री का कलर कैसे आप चेंज कर सकते हैं, सब आपको स्टेप बाय स्टेप देखने को मिल जाएगा। तो अभी तक आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, और वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे आप लाइट रूम ऐप के अंदर अपने फोटो को एडिट कर सकते हो। तो सबसे पहले इसको हम शेयर कर लेंगे लाइट रूम ऐप के अंदर। यहाँ से हमारा फोटो शेयर हो गया, फिर लाइट रूम ऑफ ऐप को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, आपको फोटो पे अपना कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आपको स्क्रीन पे ऑप्शन आएगा, फिर आपको इस वाला ऑप्शन पे जाना है। इसके टेम्प को 4% बढ़ा देंगे, टिंट को 4% बढ़ा देंगे, वाइब्रेशन को +23 कर लेंगे, सेचुरेशन को +14 करीब कर लेंगे, फिर कलर वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर येलो वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसके ह्यू के पूरा -100 कर लेंगे, सेचुरेशन को पूरा प्लस 100 कलर कर लेंगे, फिर ग्रीन वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, इसको भी ह्यू को पूरा माइनस कर लेंगे, सेचुरेशन को पूरा प्लस कर लेंगे 100, और इसके लैमिनस को +51 के करीब कर देंगे। फिर येलो वाला ऑप्शन में आएंगे, इसके भी लैमिनस को +22 के करीब कर देंगे, फिर इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसके सेचुरेशन को -17 कर लेंगे और ल्यूमिनस को +25 कर लेंगे। करने के बाद सिंपली से यहाँ पे डन वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे, डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर हम इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसके टेक्सचर को 2% बढ़ा देंगे, 4% बढ़ा देंगे, क्लियरिटी को बढ़ा लेंगे करीब 31 के करीब, डीएच को 2% बढ़ा लेंगे, विंटेज को -13 करीब रहने देंगे, फिर मिड पॉइंट को -39 कर लेंगे, फेदर को बढ़ाकर 60 के करीब कर लेंगे। फिर इसके बाद हम आएंगे इस वाले ऑप्शन में, ब्राइटनेस वाला ऑप्शन पे, इसके एक्सपोर को 20 के करीब कर लेंगे, सॉरी 10 के करीब कर लेंगे, कॉन्ट्रेस्ट को 15 करीब कर लेंगे, हाईलाइट को -19 को रहने देंगे, फिर वाइट्स को भी माइनस कर लेंगे, -11 करीब कर लेंगे, फिर इसके बाद इस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे ट्रेंगर वाला, इसके सैपिन को बढ़ा लेंगे करीब 5%, नॉइज रेडिएशन को बढ़ा लेंगे करीब 11 करीब कर लेने के बाद, फिर ट्रेंगल इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसको ऑन कर लेंगे और इसको भी ऑन कर लेंगे, और यहाँ से हम शेयर वाले ऑप्शन पे जाके सेव टू डिवाइस गैलरी में सेव कर लेंगे। हाँ तो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे फोटो हमारा एडिट हो चुका है लाइटरूम ऐप के अंदर। तो गाइस कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे रॉक स्टार एडिटिंग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसी तरह का नया नया टाइप का फोटो आपको एडिट करके दिखाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले कोई न्यू वीडियो में।